कप्तानी दी गई, लेकिन फजल महमूद साहब की कप्तानी का दौर उनकी बॉलिंग से के बरक्स नीचे ही रहा, लो लेवल पर ही रहा, कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीता पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से हार गया, फिर इंडिया के खिलाफ 5-0 से सीरीज ड्रॉ हुई। देन 1962 में इंग्लैंड के टूर पर जब पाकिस्तान गया तो पहले फजल महमूद साहब को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें बाद में टीम में कॉल बैक किया गया। तो फिर फजल महमूद ने अपना आखिरी टेस्ट मैच उसी मैदान पर खेला जहां उस दिन से तकरीबन 8 साल कबल उन्होंने पाकिस्तान को एक हिस्टोरिक फतह दिलाई थी, और इस तरह फजल महमूद का क्रिकेटिंग कैरियर अपने इख्तिताम